हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट। आज मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल प्रोविजन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। हाँ साथियों, यह लीगल प्रोविजन आम आदमी के जमानत के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, मैंने एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और रेगुलर बेल पे काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो डिफॉल्ट बेल से संबंधित है। डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल से संबंधित सीआरपीसी में जो कानून है उसमें क्या कहा गया है, और इसी संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट की भी चर्चा करेंगे। यह अभी लेटेस्ट जजमेंट है, 7 फरवरी 2022 को ही दिया गया है। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं डिफॉल्ट बेल पर चर्चा करूं, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 आवर्स के अंतर्गत प्रेस करती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज देता है, और या फिर पुलिस की डिमांड पर उसको पुलिस कस्टडी में दे देता है दोबारा, पुलिस की रिमांड पर, जिसको बोलते हैं पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड। मैंने जुडिशियल रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये जो पुलिस कस्टडी रिमांड का जो टाइमिंग होगी, जो पीरियड होगा, वो मैक्सिमम 15 डेज का होगा। 15 दिनों से ज्यादा मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस कस्टडी रिमांड पर नहीं दे सकता है। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि एडिक्वेट ग्राउंड मौजूद हैं इसको 15 दिनों से ज्यादा के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का, तो 15 दिनों से ज्यादा के लिए भी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। लेकिन 15 दिनों पर उसको जुडिशियल रिमांड पर बुलाना होगा फिर से मजिस्ट्रेट को। दोस्तों, यह जो डिफॉल्ट बेल का जो अधिकार है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 167 में दिया गया है। जब कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, तो उसमें कुछ टाइमिंग दी हुई है अपराधों के लिए। अगर व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है, तो मैक्सिमम टाइम भी प्रोवाइड किया गया है इसी सेक्शन 167 सब क्लास 2 की क्लॉज 1 और सेकेंड में। वो मैक्सिमम टाइम है 90 डेज और 60 डेज। कुछ अपराधों में 90 डेज है, कुछ अपराधों में 60 डेज है। जिन अपराधों में डेथ की सजा है, उम्र कैद की सजा है, या 10 साल तक की सजा है, पनिशमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर, उन अपराधों में 90 दिनों के अंदर अगर चार्जशीट कोर्ट में नहीं पहुंचती है तो उस व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा। डिफॉल्ट बेल या स्टेट्यूटरी बेल भी इसी को कह सकते हैं। और इन अपराधों के अलावा डेथ सेंटेंस, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर, इन अपराधों के अलावा अगर कोई अपराध है तो 60 डेज के अंदर चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के बाद। लेकिन ध्यान रहे, यह उन्हीं अपराधों में है जिन अपराधों में अभियुक्त जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यह सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक मामले में 60 दिनों तक कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था, चार्जशीट तो 60 दिनों के अंदर कोर्ट में सबमिट कर दी गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था 60 दिन के भीतर। तो हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अभियुक्त को जमानत दे दी कि यह 167(2) के तहत जमानत पाने का अधिकार है, स्टेट्यूटरी बेल पे छोड़ दिया गया, जिसको डिफॉल्ट बेल भी कह सकते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यह केस था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल बोधी एंड अदर्स। अभी 7 फरवरी 2022 को इसमें आदेश हुआ है। यह जेआईसी के सेकेंड वॉल्यूम के पेज नंबर 113 में इस केस को पब्लिश किया गया है। दोस्तों साथियों, इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है वो 185 एंड 186/2022। यह जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो इसी लीगल सवाल पे चर्चा की जाती है कि क्या यह जो 60 दिन का टाइम है मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने की डेट से जोड़ा जाएगा या कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने पे जोड़ा जाएगा।
अरब सुप्रीम कोर्ट कई केस ला को डिस्कस करता है और मुख्य रूप से जो केस ला डिस्कस किया जाता है सुरेश कुमार भीकम चंद जैन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 2013 के जेआईसी के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 887 में पब्लिश हुआ था। इस केस के फैक्ट को डिस्कस किया जाता है और अरब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रिंसिपल लेड डाउन किए गए थे पूर्व में उनको भी डिस्कस किया जाता है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा जाता है कि जिस दिन इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी उस डेट से जोड़ा जाएगा 60 डेज एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लेकर जिस दिन चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई 90 डेज और 60 डेज का पीरियड उस दिन तक जोड़ा जाएगा। इस मामले में चार्जशीट तो 60 डेज के अंदर कोर्ट में सबमिट कर दी गई थी लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लिया गया था, संज्ञान 60 डेज के बाद लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने की तारीख तक 60 डेज या 90 डेज का पीरियड नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि चार्जशीट कोर्ट में जैसे ही सबमिट हो जाती है तो 167 का जो प्रोविजन है उसकी कंप्लायंस पूरी हो जाती है। क्लियर कट कहा जाता है कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 167(2) एक्यूज्ड काउंट डिमांड टू रिलीज एज ए डिफॉल्ट बेल। इस केस में जहां पर 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी गई है भले ही मजिस्ट्रेट ने संज्ञान 90 और 60 डेज के बाद लिया हो जैसे कि अपराध हैं। तो दोस्तों यह थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप अपने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, आप एडवोकेट हैं तो यह रूलिंग आपको जरूर काम आएगी। और अगर आपका किसी तरीके का कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो भी यह जानकारी आपके काम आएगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवरनेस।